सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। आप सबको ईद मुबारक हो। रमजान का महीना चालू है और इस महीने में हमारे सारे मुस्लिम भाई बहन व्रत करते हैं और रमजान के दिन में शीर खुरमा बनाया जाता है और ये शीर खुरमा सभी को बहुत ही पसंद आता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरुआत करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम। काजू, पिस्ता, बादाम को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोक किया है और उसके बाद छिलका निकाल के इसी तरह से लंबाई में कट किया है। 5 से 6 खजूर, खजूर को भी इसी तरह से लंबाई में कट किया है। 50 ग्राम सेवैया, 1.5 लीटर दूध, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा केसर और घी, घी हमें चाहिए 4 से 5 बड़े चम्मच, 1/2 कप चीनी। गैस के ऊपर पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। आपको ज़्यादा घी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। खजूर डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें किशमिश डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को मध्यम आंच पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से क्रंची होने चाहिए। तो इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से क्रंची हो गए और किशमिश कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसी ही पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे, सेवैया डाल लेते हैं और इस सेवैया को मध्यम आंच पे गोल्डन होने तक भूनेंगे। मैंने थोड़ी लंबी लंबी सेवैया डाली है, मुझे लंबी ही पसंद है। आपको छोटी पसंद है तो थोड़ा क्रश करके डाल दीजिए। इसी तरह से सेवैया भून के तैयार है, इसे भी एक प्लेट में निकालेंगे। इसी पैन में हम डालेंगे 1.5 लीटर दूध। 2 लीटर डाला तो भी चलेगा क्योंकि हमने इधर 50 ग्राम सेवैया ली है। दूध को अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। तो इसी तरह से दूध को उबाल आया है। अब हम इसे और 3 से 4 मिनट उबालेंगे ताकि दूध हल्का सा गाढ़ा हो सके। इसमें केसर डालेंगे, सेवैयाँ डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसे 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसी तरह से इसे उबाल आया है। 1/2 कप चीनी डालेंगे और मिक्स करेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट पकाएंगे। आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो दूध से पहला थोड़ा गाढ़ा कीजिए और उसके बाद उसमें सेवैयाँ डाल दीजिए। देखो इसी तरह से हल्का सा गाढ़ा होने लगा है और सेवैया भी पक के तैयार है। इलायची पाउडर डाल देते हैं और मिक्स करेंगे। देखो फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़ा रोज़ वाटर नहीं तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो। मेरे पास रोज़ वाटर अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए मैंने नहीं डाला है, आप ज़रूर डाल दीजिए। तो इसी तरह से बहुत ही टेस्टी शीर खुरमा बन के तैयार है। चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड चलो आप इस शीर खुरमा की रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर से आप सभी को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।